तो गाइस जयंती मेंशन 3 में एक 3 BHK स्पेशियस फ्लैट आया हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये होगा आपका हॉल एंड यहाँ पर आपको विंडो मिल जाती है, काफ़ी स्पेशियस। यहाँ पर एक बालकनी आपको मिल जाती है, तो काफ़ी बड़ी ये बालकनी होने वाली है, टेरेस बालकनी ये होगी। आगे में वर्धा रोड आपको मिल जाएगा। तो ये जयंती मेंशन 3 होने वाला है, काफ़ी स्पेशियस ये फ्लैट होगा। जैसे कि हमने ये हॉल देखे हैं, इसके बाद में ये आपका आएगा डाइनिंग एरिया। तो ये डाइनिंग होगा प्लस यहाँ पर आपको किचन मिलेगा, वेस्ट फेसिंग में आपको किचन मिलेगा और किचन के साथ में आपको ये वॉशिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन आ जाएगी प्लस ये पूरा स्पेस आपको कपड़े सुखाने के लिए या फिर गार्डन के तौर पर आपको यूज़ कर सकते हो। ऊपर में आप देखोगे काफ़ी बड़ा ये टाउनशिप है, बाहर से भी मैं आपको दिखाऊंगा। अनयूज्ड फ्लैट ये होने वाला है, काफ़ी स्पेशियस ये फ्लैट होगा। तो यहाँ से भी आपको आपका बेडरूम एक्सेस कर सकते हो। मैं आपको किचन से ही लेके जाऊंगा, ये पूरा स्पेस आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी स्पेशियस ये होने वाला है। इसके बाद में जैसा कि आपने ये देखी, ये किचन प्लस डाइनिंग, ये होगा आपका फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम और ये थर्ड बेडरूम। यहाँ पर आपको एक कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, ये फर्स्ट बेडरूम। तो यहाँ से भी आपको स्लाइडिंग विंडो प्लस गैलरी आपको यहाँ से मिल जाती है। सारी कॉलोनी में सभी लोग रहते हैं। जयंती मेंशन 3 में ये प्रॉपर्टी आने वाली है। फर्स्ट फ्लोर पर 3 BHK अवेलेबल है। पार्किंग स्पेस आप देख पाओगे, आसपास का एरिया आप देख पाओगे। इसके बाद में हम लोग चलते हैं सेकंड बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम हमारा हो चुका है, ये होगा आपका सेकंड बेडरूम। तो सेकंड बेडरूम में आपको यहाँ पर अटैच वॉशरूम मिल जाता है। साइज आप देख पाओगे काफ़ी स्पेशियस, ये आपका वॉशरूम होगा अटैच सेकंड वॉशरूम। एंड यहाँ से भी आपको एक बालकनी मिल जाती है, फेसिंग आप देख पाओगे। सेकंड बेडरूम के बाद में हम चलते हैं थर्ड बेडरूम के तरफ एंड ये होगा आपका थर्ड बेडरूम। ये डाइनिंग स्पेस आपको मिल जाती है, यहाँ से इसके पीछे में आपका किचन आ जाएगा। तो काफ़ी स्पेशियस 3 BHK होने वाला है। इसकी प्राइस जानने के लिए आपको दिए गए नंबर पर कॉल करना है। Thanks for watching guys.